पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो लोग तुष्टिकरण करते हैं ये आपको देश की एकता और अखंडता के लिए काम करते कहीं नहीं दिखाई देंगे। ऐसे लोग देश और सनातन विरोधी हैं। देवास में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आजकल जैसे सनातन धर्म का अपमान करने की छूट मिल गई है, जो सनातन का अपमान करते हैं वह कहीं ना कहीं तुष्टिकरण का काम करते हैं। यह देश की एकता और अखंडता के लिए काम करते हुए आपको कहीं नहीं दिखेंगे। ये लोग सनातन को डेंगू कहते हैं, कोई मच्छर कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है। सनातन की धर्म पटाखा पहराता हुआ व्यक्ति अगर कहीं मिलेगा आपको तो वो ब्राह्मण भी होगा जो सनातन की ओर। आजकल लोगों को सनातन का अपमान करने की जैसे छूट मिल गई है। कुछ लोग ऐसे हैं, कोई सनातन को डेंगू कह रहा है, कोई सनातन को मच्छर कह रहा है, मलेरिया कह रहा है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो तुष्टिकरण का काम करते हैं। ये कहीं भी देश की एकता और अखंडता के लिए काम करते आपको मिलेंगे ही नहीं। देश की एकता और सबको साथ लेने का ईश्वर ने अगर किसी को क्षमता दी है, समेट के चलने का अगर किसी को अधिकार दिया है तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को दिया है। वो साथ लेके चल रहा है आज भी, कितने हमलों के बावजूद। मेरे मित्रों, ब्राह्मण ही वो शख्स है जिसने शब्दों को मंत्र बनाया। ब्राह्मण ही वो शख्स है जिसने शब्दों को मंत्र और मंत्र को यंत्र बनाया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।